हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्ले, हमको लगता है मैडम सर को ना हम पे शक हो गया है। हमको प्लानिंग से बाहर निकाल दिया है। हमको नहीं बता रही है कि क्या प्लान कर रही है। कयामत को पकड़ने का इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना कि हम टारगेट हैं उनके। ऐसा भी हो सकता ना कि मैडम सर की हर बात में आप अपने लिए शक ढूंढ रही हो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है बिल्ले, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ये कौन टोपा फोन कर रहा है हमको? हेलो कयामत। सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो भूल ही गए थे कि असली कयामत तो आप हैं। देखो, जो कोई भी हो तुम, दो बातें साफ है। एक ये कि तुम बहुत बड़ी वाली चूरन हो जो हमसे डायरेक्ट पंगा ले रही हो ये जानने के बाद भी हम कौन हैं, और दूसरा ये कि तुम्हारी जिंदगी से शायद संबंध खराब चल रहे हैं तभी तुम हमसे उलझ रही हो। जचता है, एटीट्यूड जचता है आप पर करिश्मा सिंह, पर दिक्कत ये है ना कि आप गलत जगह दिखा रही हैं। क्या है ना, हमारा भेजा फिर गया तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम आपको, सबको बता देंगे कि असली कयामत कौन है। दिक्कत ये नहीं है कि तुम सबको बता दोगे कि हम कयामत हैं, दिक्कत ये है कि तुम्हारे जैसा मामूली ठग का बात मानेगा कौन? कौन मानेगा कि हम कयामत हैं? हाँ, जाओ, जो उखाड़ सकती हो ना जाके उखाड़ लो, समझ गई? तुम और तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस करिश्मा सिंह, हम बता रहे हैं किसी दिन तुम्हारी जान ले बैठेगा। इसी बात पे एक शेर याद आया, गालिब का बहुत ही मशहूर शेर है। वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए उन्हें, हम बताएं क्या? एक वीडियो सेंड किए हैं, चेक करके बताइए, नहीं तो दोबारा करते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड तो किया ना तुमने? मैडम बिल्लू निवास की कसम, ऐसा रिकॉर्ड किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। आपकी चुप्पी से लगता है कि आपने वीडियो देख लिया है। क्या है ना, जब से मोबाइल फोन में वीडियो बनाने का प्रचलन शुरू हुआ है ना, चीजें काफी आसान हो गई। अम्मा कोई भगवान पे भरोसा करे ना करे, ये वीडियो देखकर विश्वास जरूर कर लेता है। अभी यहाँ हमने सेंड का बटन दबाया और वहां पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि कयामत तुम हो और तुम्हारा खेल खत्म। तो अगर चाहते हो कि ऐसा ना हो तो हम जैसा करते हैं वैसा करती रहो। का धमका रही हो हमको? ना 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 करिश्मा सिंह, चेता रहे हैं हम, क्योंकि हमारी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास। का चाहती का हो तुम? अब आई ना आप मुद्दे पे, खजाना चाहते हैं हम, वही खजाना जो तुम्हारे थाने से निकलने वाला है। अमन, तुमको कैसे मालूम खजाने के बारे में? बेकार के सवालों में वक्त जाया ना करो करिश्मा सिंह, जितना कहते हैं उतना करो। हमें वो खजाना चाहिए और उस खजाने तक तुम पहुंचाओ मुझे। अमा तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, समझ गई तुम? अब तक तो नहीं हुआ है, पर अगर हमारी बात नहीं मानी तो खराब जरूर हो जाएगा। इसलिए जैसा कहते हैं वैसा करो। सुनो तुम, हम उन्हीं का ही ऑर्डर मानते हैं जिनका हमें सुनना होता है, समझ गई तुम? तुम्हारे जैसे उठाई गिरी चूरन का ऑर्डर नहीं मानेंगे हम। मैडम मैडम, आपने ये क्या कर दिया, फोन क्यों काट दिया? तो क्या करते हम, उसका बकैती सुनते हमको ब्लैकमेल कर रही थी। मैडम अगर ये वीडियो मैडम सर के पास पहुंच गया तो कयामत आ जाएगी। हमारा कयामत तो हम है ना? आप कयामत हो लेकिन दूसरी कयामत आ जाएगी, बिजली वाली कयामत, मुसीबत वाली कयामत। इससे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, मेरा बिल्लू निवाल भी कन्फर्म चला जाएगा। जाए तो जाए, अरे हमको नहीं फर्क पड़ता है। अरे कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं रही है। देखो मुझे आपकी नौकरी की बिल्कुल परवाह नहीं है और मेरे बिल्लू निवास की भी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन परवाह है मुझे इस थाने की इज्जत की। जरा सोचो, आपका ये कयामत का राज अगर खुल गया तो इस थाने के पुलिस वालों पर मुजरिम का ठप्पा लग जाएगा। इस थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर अपना सर नीचे झुका कर चलना पड़ेगा, जिल्लत की जिंदगी से मर जाएंगे सब और ये थाना बंद हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, इस थाने का अंत इस तरह से हो? नहीं नहीं बिल्ले, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। फिर जान से भी ज्यादा चाहते हैं हम इस थाने को, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या, हमारे दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे ऐसे टाइम पे भगवान है ना, भगवान तुम ही कुछ करो, अच्छा खासा इशारा दे दो। ये देखो भगवान का इशारा आ गया। ये फोन ना मुसीबत बन गया हमारे लिए। नहीं नहीं, अच्छी बात होगी।
तुमने हमारा ऑफर ठुकरा के जो गलती की है ये उसकी सजा है। हसीना मलिक को मैं तुम्हारा वीडियो भेज रही हूँ, बस चंद सेकंड में हसीना मलिक जान जाएगी कि असली कयामत तुम हो। ऑल द बेस्ट। हमें लगता है कि हमें खुद वहां जाकर बात करनी चाहिए, हो सकता है हमारे बोलने से कुछ। तुम्हारी मैया की सासू मैया, मैडम सर ये देखिए कितना बड़ा बदमाश आदमी है ये। सही कहा है किसी ने, कुत्ते की तुम ना टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो कभी सीधी नहीं होती है। मैडम सर ये देखिए, ये चोर आदमी, इसने पता है आपको। एक मिनट शांत हो जाइए, क्या हुआ, क्यों इस बेचारे पर बरस रही हैं आप? ये बेचारा बिल्कुल भी नहीं है, ये चोर आदमी है मैडम सर, चोर है ये एक नंबर का। हाँ तो ये तो सबको पता है, ये कभी चोर हुआ करता था, इसमें नया क्या है? ये चोर था नहीं पुष्पा जी, ये चोर अभी भी है। इसने हमारे थाना में चोरी किया, कानून के नाक के नीचे चोरी किया, हमारे आंखों के सामने चोरी किया, एक नंबर का चोर आदमी। करिश्मा सिंह शांत हो जाइए, क्या चुराया इसने? हाँ बिल्लू। हाँ हाँ क्या क्या चुराया? पेट्रोल, हमारी बाइक का पेट्रोल चुरा लिया इसने, हमने रंगे हाथों पकड़ा है इसको। हाँ बिल्लू, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम ये सब चोरी वगैरह छोड़ चुके हो, तो फिर ये क्या है? वो क्या है कि मैं छोड़ दिया था, लेकिन वो क्या है, बिल्ली के सामने अगर दूध रखा जाए तो बिल्ली की जीभ कैसे लपलपाती है, वैसे ही चोरी लायक कुछ मेरे सामने हो तो मेरी भी जीभ लपलपाती है, इसीलिए मैंने चोरी की। सॉरी करिश्मा सिंह, एक बात बताइए, आप ये छोटी छोटी चीजें लेकर हमारे पास क्यों आने लगी हैं? अरे मैडम सर ऐसी है ये, घर पे भी ऐसी ही करती है वो, छोटी छोटी बात का ऐसा बतंगड़ बना देती है ना, जैसे कोई भूचाल आया हो। क्या बताएं हम आपको, छोटी बात? कौन सी छोटी बात? छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात हो गई है ये। नहीं, हमें कल को तत्काल में आदेश आ जाए कि हमें किसी नामी बड़े गुंडे को पकड़ना है, तो क्या हम क्या धक्के मार मार के लेके जाएंगे? पेट्रोल नहीं होगा तो कैसे जाएंगे, आप ही बताइए। मैडम सर, मैडम बताइए हमें। बिल्लू चंपत, हम ही तुमको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, आज के बाद अगर तुमने चोरी करने के बारे में सोचा भी तो हम तुम्हें लॉकअप में डाल देंगे। मतलब लॉकअप से बाहर निकाल देंगे, बदनाम के ठेले पे सोना पे, ठीक है? हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। कौन है? क्या क्या खड़े क्यों? ठीक है बैठ के डांट सुनते हैं। हो गया बिल्लू जाओ। हो गया? हाँ। अरे मैडम सर कह रही है ना, जाओ। हाँ ठीक है, हो गया तो जा रहे हैं। जाओ। करिश्मा सिंह ये क्या किया आपने? अच्छा वो फोन टूट गया। हाँ अच्छा अच्छा फोन टूट गया। वो मैडम से वो क्या है ना कि हमने सुबह कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, कितनी बार कहा है कि कोल्ड ड्रिंक मत लाया करे, फिर भी रख देती है फ्रिज में। उस सब हम देखे, हमको हो गया जुकाम हो गया अब हमें। अरे मगर हमने कितनी बार कहा है आपसे कि सुबह सुबह ये ठंडा वंडा मत पिया करो, मगर किसी की बात सुनी है अब तक? अब झेलो, अब करो दिन भर। हाँ ठीक है कर लेंगे। मैडम सर हम ये ठीक करा लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम ठीक करा लेंगे, आप जाइए अपना काम करिए। नहीं मैडम सर, गिल्ट हो जाएगा हमें, हमें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमारे वजह से आपका नुकसान हुआ है, इसलिए से तो इसे हम ठीक कराएंगे मैडम सर। आप अपना गिल्ट रखिए अपने पास, हम ठीक करवा लेंगे। अरे ऐसे कैसे वो कह रही है, एकदम फोर्स से कह रही है, तो दीजिए ना। हाँ ये हम ठीक करा कर अभी आते हैं। मैडम सर मैडम सर, इन्होंने कभी किसी की बात मानी है? करने दीजिए इन्हें फोन। हाँ हम ठीक, जाइए 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 प्लीज, हमें काम करने दीजिए, जाइए। तुमको मालूम है ना कहाँ करना, बताने का जरूरत तो नहीं है ना? बिल्कुल मालूम है, कोशिश करना है कम से कम पैसे में ठीक हो जाए। नौ टूप आदमी जो कयामत ने जो वीडियो भेजा है वो डिलीट करना है। हाँ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा, बिना जाए कैसे हो जाएगा बिल्ले? हाँ हाँ मुझे हाँ जाना होगा, कटना होगा। यार सिंगाड़ी मुझे खाने की जरूरत है क्या? जल्दी जा। हाँ हेलो। अच्छा लगा तुम्हारी आवाज में डर और परेशानी सुनकर। शुक्र मनाओ करिश्मा सिंह कि मैंने फनी वीडियो भेजा था हसीना मलिक को।
अगर ऐसे ही अड़ी रही तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हारा असली वीडियो हसीना मलिक तक भेजने में। देखो तुम ना, तुम देखो करिश्मा सिंह, मेरे ख्याल से अब तक तुम्हें इतना तो मालूम चल ही गया होगा कि हम खाली धमकियां नहीं देते और हमें ना करने का अंजाम क्या होता है। तो बेहतर यही होगा कि हमारा साथ दो और हमें खजाने तक पहुंचाने में हमारी मदद करो। तो बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। मैडम, मैडम सर का फोन। कोई है क्या? धीरे बोलो हमारा। हाँ ओके ओके, मैडम सर का फोन ठीक होकर आ गया है, सब कुछ डिलीट कर दिया, सब कुछ साफ उड़ा डाला है, वीडियोस फोटोज, और वो वाली फोटोज भी उड़ा डाली है। कौन सी वाली फोटोज? वाली डीएसपी सर और मैडम सर की फोटोज, सब उड़ा डाला है। उनकी भी फोटोज थी इसमें? बहुत सारी रोमांटिक फोटोज थी। क्या जबरदस्त फोटो, कई फोटो में एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं, उनके बीच से हवा पास भी नहीं हो सकती थी, दिल लाखों में लिए एक दूसरे को देख रहे हैं, प्यार का गदर मेड फॉर ईच अदर। ओ माय मदर, फोन ठीक हुआ कि नहीं? ठीक हो गया मोबाइल, सब कुछ फोटोज वीडियो सब कुछ डिलीट कर दिया है। अब मैडम सर से हमें कोई भी खतरा नहीं है, बस आप अपना वो जुकाम का एक्टिंग कंटिन्यू कीजिए, छींकते रहिए ताकि मैडम सर को आप पे शक ना हो। ओके अच्छा, हमें ये कहा था? मैं बता रहा था कि कैसे छींकना है। ये क्या, आप यही है? हाँ तो कहाँ जाए पुष्पा जी, जेल में जाए? चीता और संतू के पास, कब से दोनों लगे पड़े हैं सारा खजाना संदूक में भरने के लिए, और आप यहाँ जाइए, जाके उनकी मदद कीजिए, जाइए। हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक बहुत करती हैं पुष्पा जी। हाँ क्या कहें, हमारी जिंदगी मजाक बन गई है। नहीं मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप सीनियर है ना हमारी, तो अपनी टीम की मदद करना आपका फर्ज है, तो इसीलिए अगर हो सके तो जाके उनकी मदद कीजिए। वो ऐसा ऐसे आ रहे थे हम। ऐसे आ रहे। हाँ। ये क्या, आपका कम्बक जुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ? अरे हुआ। कहाँ है भाई, कहाँ है सब लोग, कहाँ है? नवाब साहब। अरे नवाब साहब, आप? पुष्पा जी। भाई इनके डेढ़ इश्के के चक्कर में खजाने के बिना निकलना पड़ेगा। सही बोले नवाब साहब, नवाब साहब, खजाना खजाना। पुष्पा जी, जी? इसी हवेली में ना हमारी कोई चीज है, उसे हम लेने आए। मैडम आज ये नवाब तो डायरेक्टली लाइन मार रहा है। इसकी मैया का सासू मैया। माँ। हाँ? नवाब साहब, ये सबके सामने कैसे बात कर रहे हैं आप? मेरे लाल इधर आओ। अरे पुष्पा जी, हम खजाने की बात करने आए हैं, जो इस थाने में निकला है हमारी हवेली का है। का नवाब साहब कुछ भी बकैती कर रहे हैं आप, कौन सा खजाना, कैसा खजाना, और किस चोरन ने आपको बताया कि यहाँ खजाना है? अरे इसने, तुम्हारी मैया की सासू मैया, किसने देखा खजाना? किसने देखा? तुमने? हम क्या, हम क्या, किसने देखा? तुमने? हमने देखा। क्या देखा? खजाना देखा था। खजाना देखा तुमने यहाँ? ये बाबा आदम के जमाने की कापती हवेली में तुमने खजाना देखा है, जहाँ की दीवारों से प्लास्टर निकलता है, जाके मोरियों से चूहे निकलते हैं, और जाके छत से ना सिर्फ बारिश का पानी टपकता है, वहाँ तुम्हें खजाना दिख गया। एक कंटाप लगाएंगे ना अभी हड़बड़ा के तुम सपने से बाहर निकलोगे। अरे ये हमने हमने अपने खुद आंखों से देखा था, उधर खजाना है, तूने भी देखा था, बोल ना। मैं तेरे सपने में आया था? नहीं नहीं, तू था खजाने का। सपना देखा तुमने? हमने भी एक सपना देखा। हमने सपने में देखा कि हमने तीन जनों का ना एक साथ एनकाउंटर कर दिया, और कमाल का बात तो ये है कि उसमें से एक ने नीले और सफेद कलर का शेरवानी पहना हुआ था, नवाब साहब की तरह,
और उसकी जो आंखें थी ना वो ऐसे उल्लू की तरह भार निकली हुई थी। इनकी तरह? हाँ, बिल्कुल हमारे नवाब साहब जैसे। पुष्पा जी। जी। मैंने इसको बहुत मना किया था कि भाई ख्याली पुलाव मत पकाया करो। अरे तुम्हारे चक्कर में ना हम ही मरेंगे। अच्छा पुष्पा जी, अब हम चलते हैं। जी। खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज। आते रहिएगा। हाँ। काका आते रहना। नहीं मतलब ऐसा कहते हैं ना ऐसा। अरे यार कितनी बार समझाया तुमको है? चल। लीजिए, ले आए खजाना बाहर। संदूक खोलिए। हाँ। पुष्पा जी। जी नवाब साहब, जी हम मानते हैं कि यहाँ पुलिस थाने में निकला ये खजाना, मगर क्या है ना, ऐसे खजाने पे सबसे पहला अधिकार सरकार का होता है, तो इसीलिए हम ये सारा खजाना पहले संबंधित विभाग को सौंप देंगे और फिर उसके बाद वो लोग जो तय करेंगे वही होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। भाई हम आपकी बात काट तो सकते नहीं है ना। बस एक झलक देखने में कानून भंग तो नहीं होगा ना पुष्पा जी? जी आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? दिखाइए, दिखाइए। हाँ हाँ कर सकते हैं ना आपके लिए। चीते दिखाओ उनको खजाना। खोलो खोलो। अब आप भी अपने नानी पर नानी का गहना गुड़िया देख ही लीजिए नवाब साहब। नवाब साहब, नवाब साहब। डोंट वरी सर, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा नेटवर्क कयामत के केस पर लगी हुई है। बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगी, आप निश्चिंत रहिए। गुड, आशा है आप समझ सकती हैं कि ऊपर से दबाव बढ़ रहा है, इसलिए हम आपसे जल्द ही इस केस के समापन की उम्मीद कर रहे हैं। जी सर, हम समझते हैं। तो भी ठीक है, गुड लक, और अगर हमारी सहायता की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। श्योर सर। तो ठीक है सर, फिर हम निकले। जी जी। जय हिंद। जय हिंद। आपने हमें मैसेज किया था? नहीं तो? एक्चुअली हमारा फोन टूट गया और हमने उसे रिपेयर में दिया है, लेकिन टूटने से पहले जब हमने देखा तो उस पर एक मैसेज आया हुआ था, पर हम पढ़ नहीं पाए वो किसका मैसेज था। हमें लगा कि वो शायद आपका था। नहीं, हमने आपको कोई मैसेज नहीं किया सीना जी, हम आपको क्यों मैसेज करेंगे? क्यों मतलब सर, आप हमारे सीनियर हैं, 100 तरह के काम होते हैं, इतनी सारी ऑफिशियल बातें होती हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं? देखिए हसीना जी, जहां तक हमें ज्ञात है व्यक्तिगत नंबर पर ही व्यक्तिगत बातें होती हैं, और आपके हमारे बीच तो ऐसा कुछ व्यक्तिगत है नहीं। यह है अब? नहीं नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, कैसे हो सकता है? वही तो फिर आप हमारे मैसेज की अपेक्षा क्यों कर रही थी? नहीं नहीं, हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, हम बस कंफर्म कर रहे थे, ऐसे पूछ लिया, सॉरी। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? सर वो एक्चुअली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन थोड़ा अर्जेंट है, अगर मैडम सर वहाँ हैं तो आप प्लीज बात करा सकते हैं। एक्चुअली उनका जो फोन है ना टूट गया है, उन्होंने ही बताया वो यही है, हम अभी उनको फोन देते हैं। कांस्टेबल संतोष शर्मा आपसे बात करना चाहती है। ओह अच्छा, दीजिए। अरे
थैंक यू। हाँ संतोष शर्मा बोलिए। अब मैडम सर वो खजाने के बारे में सबको पता चल गया है और अब राज रहा नहीं और इनफैक्ट नवाब साहब थोड़ी देर पहले आए थे और अपना हिस्सा मांग रहे थे। क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? मैडम सर इकबाल की वजह से सबको पता चल गया। अच्छा ठीक है हम आते हैं, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हाँ क्या हुआ सिन्हा जी? सर खजाने की बात बाहर फैल गई है, हर किसी को पता चल चुका है कि थाने में खजाना मिला है। देखिए सिन्हा जी हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। अब तक तो कयामत को खजाने के बारे में पता चल गया होगा, हमें इंतजाम दुरुस्त करने होंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।